हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। द वर्कशीट इज़ फॉर क्लास 7th स्टूडेंट। द वर्कशीट विल बी शेयर्ड अमंग द स्टूडेंट्स ऑन 25th September 2020। फर्स्ट स्टूडेंट, यू विल राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज एनवायरमेंट एंड हाइड्रोस्फेयर, जिसको कहते हैं जलमंडल। हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर का जो डोमेन होता है, जो सरफेस होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर या जलमंडल। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारे सोर्सेज आते हैं, कई तरह के वाटर बॉडी, जैसे रिवर है, नदी है, लेक है, सीज या समुद्र में देखे होंगे, ओशियन, ठीक है ना। इस तरह के ये जो क्षेत्र होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जो जंतु है उनके लिए ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स, जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में हमको मिलता है। सॉलिड, जो कठोर अवस्था में होता है वो क्या होता है, आइस, बर्फ होती है। लिक्विड, जो तरल अवस्था में होता है, जैसे पानी जो हम पीते हैं। एंड गैस, वेपर, और जो गैस होती है, जो वाष्प के माध्यम से हमको दिखाई देती है, वो क्या होती है, गैस। देखिए, वो चित्र में आपको दिखाया गया है, ये पानी का चित्र है, यहाँ लिखा हाइड्रोस्फीयर लिखा हुआ है ना, ये एटमॉस्फेयर जो समुद्र जो वायुमंडल है, ये बायोस्फेयर जो जीव मंडल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब ये, जितनी ये 6 चित्र दिखाए गए ना, जो पिक्चर है, उनको बताना है कि कौन सी वाटर बॉडीज हैं। आओ बच्चों, अब इसका आंसर देते हैं। तो पहला हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक नदी है, ठीक है ना, क्या है, रिवर, आपको रिवर दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखिए ये पानी उछल रहा है, तो ऐसे पानी कहाँ आपको दिखता है, समुद्र में दिखता है, तो यहाँ जगह सी आ जाएगा। यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में पौंड, क्या ये पौंड है। यहाँ पे देखिए झील है, लेक, LAKE। यहाँ पे देखिए ये नहर है, क्या है, कैनल, ठीक है बच्चों। इसको सेम अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए बच्चों, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर एंड इन वट फॉर्म यू हैव सीन वाटर। आप कहाँ पर और किस फॉर्म में वाटर को देखते हो, राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखिए। देखिए बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। वी हैव सीन वाटर इन रिवर्स, हम पानी को देखते हैं नदियों में, पॉन्ड्स, वेल्स, है ना, तालाबों में देखते हैं, कुओं में देखते हैं। वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, हम अलग अलग तरह के फॉर्म में वाटर को देखते हैं, जैसे कि सच एज द वाटर वी यूज टू ड्रिंक एट होम इज इन लिक्विड स्टेट। जो वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। एंड द आइस वी सी इन द फ्रिज इज वाटर, और जो आइस हम देखते हैं फ्रिज के अंदर, जो आइस बनी होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो बिल्कुल ठोस अवस्था में होती है, ठीक है ना। फिर है स्टीम, जो भाप होती है, स्टीम इज द सॉलिड स्टेट। सिमिलरली स्टीम इज ए, स्टीम सॉलिड में नहीं होती, जो इज ए वेपर स्टेट ऑफ वाटर। स्टीम किस में होती है, वेपर स्टेट में होती है, और आइस किस में होती है, सॉलिड में, यहाँ आइस आएगा, ठीक है। ये है पहले क्वेश्चन का उत्तर, अब ये 2 वर्ड यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, हाउ डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कैसे सोचते हो कि जो वाटर है वो सभी जीवित जो प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्यों सोचते हो, देखिए बच्चों इसका उत्तर ये लिखा हुआ, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर ऑर्गेनिज्म बिकॉज, क्यों जरूरी है, विदाउट द वाटर
दैट वी कैन नॉट सर्वाइव अवर बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, हमें हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनको बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इफ़ देर विल बी नो वाटर इन अवर बॉडी देन ऑल द एनिमल कैन नॉट सर्वाइव। अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं होगा तो हम जो प्राणी है और जो एनिमल्स है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। तो आज के वर्कशीट में केवल दो ही प्रश्न थे, यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।